अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुवैत से कुछ लेटेस्ट अपडेट है, देख लेते हैं आज के इस वीडियो में सभी प्रवासी को लेकर के। दोस्तों कुवैत से जो पहली अपडेट है, यहाँ पे बता दें कि कुवैत का जो कैंपियन है पुलिस द्वारा, वो अभी भी लगातार कंटिन्यू है। पिछले दिन दोस्तों सुलेबिया कैंप के अंदर छापामारी हुआ है, जहाँ पे 13 प्रवासी अलग अलग नेशनलिटी का पकड़ा गया है। यहाँ पे दोस्तों जो सुलेबिया कैंप है, इसके अंदर ये लोग बिना एकामा के काफी लॉन्ग टाइम से काम करते थे, जिनके बाद कल छापामारी के दौरान ये 13 प्रवासी को इलीगल तरीके से पकड़ा गया है। कुवैत से अगली अपडेट दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है, कुवैत मिनिस्ट्री द्वारा जो एक प्रवासी है उनका मेडिसिन का फीस बढ़ोतरी किया है, इनको लेकर के दोस्तों एक अच्छी अपडेट आया है। कुवैत का जो ह्यूमन राइट्स ब्यूरो है, उनके तरफ से एक अपडेट दिया गया है, हमदान अल निमसान, बताया गया है कि प्रवासी का जो बढ़ोतरी यानी कि मेडिसिन के अंदर जो फीस बढ़ाया गया, जहां पे 1 KD देकर के मेडिसिन और डॉक्टर भी देख लेता था, यहां पे 5 KD देना पड़ेगा, इनको लेकर के दोस्तों जो नेशनल ह्यूमन राइट्स है उनके तरफ से बिल्कुल सख्त एक्शन लिया गया है और इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है कि प्रवासी को लेकर के खासतौर से जो इनका फीस है ये बिल्कुल भी नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये पर ईयर इनका हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है, उनके साथ साथ ये पर ईयर अपना एकामा रेजिडेंसी को रेनुअल करता है, जिसके अंदर काफी ज्यादा पैसा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे अच्छी अपडेट है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स ने एक आवाज उठाया है कि जो प्रवासी है उनको बिल्कुल कोई भी चार्ज मेडिसिन का नहीं लगना चाहिए, बल्कि जो भी इनका इंश्योरेंस कार्ड है उनके बेस पे इनको फ्री मिलना चाहिए। तो दोस्तों इनको लेकर के जो भी अपडेट आता है मिनिस्ट्री ऑफ कुवैत से दोस्तों आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। कुवैत से दोस्तों सभी अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों कुवैत से अगली अपडेट के साथ।